नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एल्डोनिल टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एल्डोनिल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एल्डोनिल टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एल्डोनिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एल्डोनिल टैबलेट का उपयोग डायबिटीज से पीड़ित व्यक्तियों में डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए किया जाता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी शुगर की वजह से होने वाली एक समस्या है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर शरीर की नसें कमजोर होकर डैमेज हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर हाथों व पैरों में जलन होना, हाथों व पैरों में सुई चुभने जैसी संवेदना होना, कोई चोट लगने के बाद दर्द का अनुभव न होना, पैरों में इन्फेक्शन होना और पैरों में अल्सर होना आदि लक्षण डायबिटिक न्यूरोपैथी होने पर हो सकते हैं। लंबे समय तक शुगर की समस्या रहने की वजह से शरीर की नसें कमजोर होने का और शरीर की नसें डैमेज होने का जोखिम अधिक हो जाता है। एल्डोनिल टैबलेट डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से शरीर की नसों को डैमेज होने से रोकती है और डैमेज हुई नसों को ठीक करने में मदद करती है। एल्डोनिल एक ब्रांड नेम है। एल्डोनिल टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एप्पल रिस्टेट होता है। एल्डोनिल टैबलेट 50 mg व 150 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एल्डोनिल टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एल्डोनिल टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, सिर चकराना, सिर दर्द होना और दस्त हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में एल्डोनिल टैबलेट की वजह से लिवर एंजाइम भी बढ़ सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्डोनिल टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एल्डोनिल टैबलेट को खाना खाने से पहले लेना रिकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर एल्डोनिल 50 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं और एल्डोनिल 150 mg टैबलेट को दिन में 1 बार लेने की सलाह देते हैं। एल्डोनिल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको एल्डोनिल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि एल्डोनिल टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डायबिटिक न्यूरोपैथी को ठीक करने के लिए शरीर के ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए शरीर के ब्लड शुगर लेवल को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एल्डोनिल टैबलेट का असर दिखने में 12 सप्ताह तक का समय लग सकता है, इसलिए आपको एल्डोनिल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना लेना बंद नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एल्डोनिल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे एप्पल रिस्टेट आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को एल्डोनिल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि एल्डोनिल टैबलेट प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है या नहीं, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एल्डोनिल टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एल्डोनिल टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एल्डोनिल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।